नमस्कार। दक्षिण एशिया में जिस तेजी से समीकरण बदल रहे हैं, उसी तरीके से चीन और भारत की रणनीति भी बदल रही है। उसी कड़ी में भारत अब अपने खाड़ी देशों को दोस्त बनाने पर आमादा है और काम भी कर रहा है, जिसका नतीजा शानदार भी दिख रहा है। रणनीतिकारों की माने तो भाई, भारत जो कर रहा है उसका लेना देना चीन और पाकिस्तान से है, क्योंकि ये देश दक्षिण एशिया में परेशानी पैदा कर रहे हैं और इसीलिए भारत दोस्ती का पैगाम दे रहा है। इसराइल के रूप में भारत का एक खास दोस्त पहले से ही है, अब खाड़ी के देशों में उनसे हाथ मिलाया जा रहा है जो सैन्य जरूरतों के लिहाज से हमारी मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान को खाड़ी देशों के समर्थन पर बड़ा घमंड था, तो इस बहाने वो घमंड भी चकनाचूर हो रहा है। जिस सऊदी अरब को पाकिस्तान के नेता अपना भाई बिरादर बताते नहीं थकते थे, उसके साथ इन दिनों भारत की नौसेना युद्ध का अभ्यास कर रही है। गुरुवार को अल मोहद अल हिंद नाम के सैन्य अभ्यास का पहला दिन था और पिछले हफ्ते यूएई के साथ भी सैन्य अभ्यास चला था। भारत और सऊदी अरब की नौसेनाओं के बीच ये पहला युद्ध अभ्यास है और इसमें हिस्सा लेने के लिए गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS कोची भी शामिल हुआ है। इसमें दो सी किंग 42B हेलीकॉप्टर्स लगे हुए हैं। INS कोची ने पिछले हफ्ते अबू धाबी के पास UAE नौसेना के जायद तलवार के साथ भी युद्ध अभ्यास किया था। UAE ने 7 अगस्त के युद्ध अभ्यास के लिए गाइडेड मिसाइल कॉन्वेंट के अलावा हेलीकॉप्टर्स भी भेजे थे। तो भारत की वेस्टर्न फ्लीट का नेतृत्व कर रहे फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल अजय कोचर ने सऊदी अरब की पूर्वी फ्लीट की कमांडर से मुलाकात भी की। दोनों किंग अब्दुल अजीज नेवल बेस पर मिले। जानकारों की माने तो भाई, सऊदी अरब के साथ ये युद्ध अभ्यास के बैकड्रॉप में वायुसेना प्रमुख यूएई और इसराइल दौरे को भी देखना होगा। यूएई खाड़ी के उन देशों में से है जो इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब इसराइल के साथ भारत के मजबूत सैन्य रिश्ते हैं और ऐसे में भारत के लिए देखें, सऊदी यूएई और इसराइल की दोस्ती एशिया समेत पूरी दुनिया में उसकी ताकत को और बढ़ाएगी। अब रणनीतिकार खाड़ी देशों के साथ सैन्य संबंध बढ़ाने की नीति का एक संकेत पिछले साल दिसंबर में भी मिला। तब सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे UAE और सऊदी अरब गए थे और ये किसी सैन्याध्यक्ष का इन देशों का पहला दौरा था। इसका मतलब साफ है कि भाई, भारत की मंशा खाड़ी के इन दो देशों से रक्षा क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने की है और जिसका फायदा उसे चीन और पाकिस्तान के खिलाफ मिलेगा। इससे भारत की ताकत में बढ़ोतरी होगी और पाकिस्तान और चीन कमजोर होंगे, जिसका भारत भविष्य में फायदा भी उठा सकता है। और इसके साथ ही साथ भारत दक्षिण एशिया में चीन को घेरने की फिराक में भी है, जिसमें भारत की चाल सही साबित भी हो रही है।